नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है केपी एग्रोफार्म यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपसे तो पहले मैं क्षमा मांगूंगा क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं कोई वीडियो नहीं ला पा रहा था। ऑलमोस्ट 3 महीने हो गए हैं जब एक भी वीडियो नहीं डाल पाया हूँ। अभी भी काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि हर फ्राइडे को मैं एक वीडियो ला पाऊँ। तो वो पूरी कोशिश करूँगा कि हर फ्राइडे को एक वीडियो आ जाए। तो आज के वीडियो में मेरी कोशिश ये है कि एक तो ये इंट्रोड्यूस करना है कि अगले फ्राइडे से मैनेजमेंट और मेडिसिन की वीडियो सीरीज़ चलाऊंगा, जिसमें एक एक करके हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर होगा। तो आपको इस वीडियो पे जो भी आपके दिमाग में है क्वेश्चन, वो आप कमेंट डालिए, ठीक है। जितने ज़्यादा कमेंट्स पे, मतलब जो ज़्यादा कमेंट्स आएंगे वो क्वेश्चन पहले उठाऊंगा, उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। वीडियो कोशिश ये रहेगी कि वीडियो ज़्यादा लंबे ना बनाऊँ, 4-5 मिनट के, ठीक है। और हर एक एक क्वेश्चन पे एक वीडियो और उस पर उस क्वेश्चन के बारे में पूरा एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। तो आज जो आपको वीडियो दिखाऊँगा उसमें मैं अपने फार्म का लेआउट दिखाऊँगा कि मेरा फार्म एग्जैक्टली आज की स्टेट में कैसा है। तो आप कई चीज़ें देखोगे, उससे रिलेटेड आपके दिमाग में क्वेश्चंस आएंगे, तो आप उन क्वेश्चंस को भी आप कमेंट्स में डालिए। तो देखिए, ऑफिस से चालू करते हैं। ऑफिस है, कई सारी आइटम्स पड़े हुए हैं, मिनरल मिक्सचर पाउडर पड़े हुए हैं। एक कंपनी के नहीं हैं, और भी कंपनीज के हैं, क्योंकि ट्रायल चलता रहता है कि कौन सा सही रिजल्ट दे रहा है। तो मतलब किसी फीड का या किसी मिनरल मिक्सचर का प्रमोशन नहीं करूँगा, लेकिन आपको एक्चुअल स्थिति बताऊँगा कि किस तरीके से मैं काम करता हूँ, ठीक है। तो जैसे इस एक स्वाइन प्रीमिक्स कंपनी है, उसका भी प्रीमिक्स पड़ा हुआ है, क्लिफेमिन का पड़ा हुआ है, साउ मिक्स का पड़ा हुआ है। तो चलते रहते हैं ट्रायल, पता करता रहता हूँ कि कोई अच्छा है कोई, या फिर मैं, और ये DCP के अमीनो एसिड्स के भी बैग पड़े हुए हैं, ठीक है, और सॉल्ट और कैल्शियम ये सब पड़ा हुआ है। आज फीड बननी है, तो मक्का वगैरह ये सब पड़ी हुई है, तो मिक्सचर हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फीड ट्रायल के लिए बना के रखनी है, तो उसके लिए अभी चढ़ाने को बोला है। तो मक्का वक्का सोया हुआ चढ़ेगी और फिर ये मिक्स होगी, ठीक है। बाकी थोड़ा शोर है, गाने चला रखे हैं जो काम करने वाले हैं, तो एंटरटेनमेंट के लिए। ये मक्का शीरा के साथ मिला के रखी है, तो शीरा मिठास के लिए, ठीक है, जो बच्चों की फीड में मिलाते हैं तो उससे मीठा हो जाता है और ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा चाव से खाते हैं बच्चे, ठीक है। तो ये आपने देखा होगा पहले, जैसे ये रैंप बना रखी है, ठीक है, जानवरों की लोडिंग के लिए, और अंदर से ही जानवर आ जाते हैं लोडिंग के लिए, ठीक है। बाकी और चीज़ें देखते हैं अंदर। ये मेडिसिन रूम है, और यहाँ पे जो भी मेडिसिन स्टॉक, जो भी ज़रूरत पड़ता रहता है, वो सब सामान है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे फीड रखते हैं, कुछ बैग्स पड़े हुए हैं और कुछ आज बनने हैं, 20-25 बैग्स तैयार होने हैं। तो जैसे कि आपने पहले भी देखा होगा, ये पूरा फेरोआ रूम है जहाँ पे मादाओं की डिलीवरी होती है। ये 3 एक्सपेरिमेंटेशन पर्पस से बना रखे हैं। जैसे कि आपने बाहर के फार्म देखे होंगे, वैसा नहीं है, लेकिन जैसे बाहर पे आपने देखा होगा, पीछे नीचे डंपिंग एरिया रहता है जहाँ पे पूरा उनका पेशाब और गोबर नीचे जाता रहता है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि जब बच्चे होते हैं तो गीलापन नहीं होता है, जैसे मादा को पानी पिलाया, मादा ने पानी पिया, तो वो उस जगह पे गीला हो जाता है और पेशाब वेशाब करती है मादा, तो बहुत गीला हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत ठंड लगती है। तो इसमें ठंड में बहुत फ़ायदा है, ठीक है, लेकिन इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो चल रहा है इस पर भी काम, इसमें चढ़ाने में प्रॉब्लम है, तो इसके लिए ये स्लोप बनवाई है चढ़ाने के लिए। तो ये एक्सपेरिमेंटेशन है, अभी पूरा पास नहीं हुआ है, लेकिन जो जो कमियां इसमें मिलती हैं वो फिक्स करते रहते हैं, ठीक है। अब जैसे ये भी ये बच्चों के लिए है, ये भी सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन है, और इसके काफ़ी फ़ायदे मिल रहे हैं। और जैसे ये ड्रम लगा देते हैं, इसमें बच्चे अपना घुस के खाते रहते हैं, और ड्रम में अच्छी क्वांटिटी में रख देते हैं अपना, जब चाहे बच्चे आते हैं खाते हैं। तो इसी तरीके से ये इंतज़ाम, 3 रैक ऐसी लगा रखी हैं, ठीक है। इसकी कमी थी कि
कि जैसे इसमें क्या होता है कि जब बच्चे हम आते हैं तो बच्चे एकदम से डर के भागते हैं और फीड बहुत फैलता था, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम आती थी पहले, लेकिन वो फिक्स कर दी है, जैसे इसके अंदर वेट बढ़ा दिया है और यहाँ पे पत्थर लगा दिया है, तो वो फीड की वेस्टेज ख़त्म हो गई है, तो अगर गिरता भी है तो यहाँ पे गिरता है और फिर वो बच्चे यहाँ पे खा लेते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटेशन है, लेकिन ये इसके काफ़ी फ़ायदे मिले और जो भी इसमें प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे करके फिक्स कर दी। ये एक अलग फीडर का मॉडल बनाया है इनका, ठीक है, देखने के लिए कि ये कैसे काम करता है, ठीक है, ये भी सही काम कर रहा है। और ये है, ये भी ये एडलिफ फीडर है, मतलब इसमें सीधे भर के रख दिया, और इसके ऊपर कभी एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से एग्जैक्टली काम करता है। तो इसमें इस वाले में करीबन 40 किलो फीड आ जाता है, ठीक है, 40 किलो फीड आ जाता है इसमें, ठीक है, तो 40 किलो फीड आ जाता है और एक बार डाल दिया और फिर अपना बच्चा अपनी मर्ज़ी से खाते रहते हैं। सिमिलरली आप ये देख सकते हैं, जैसे छोटा बच्चा है तो इसी में घुसा हुआ है, खाता है, सो जाता है, ठीक है। ये बच्चे हैं करीबन 45-50 किलो के, तो इनके लिए भी ये ऐसे ही फीडर लगा रखा है, ठीक है। ये बच्चे पूरे ट्रायल पे चल रहे हैं जब से पैदा हुए हैं, ये 21 बच्चों का बैच है, 3 मादाओं का डिलीवरी हुई थी सेम डेट पे, तो तब से ही ये बैच वीनिंग के बाद से खट्टे चल रहा है। तो मुझे ये मॉनिटर करना है, इस पर एक फॉर्मूला मैंने चला रखा है, मुझे ये मॉनिटर करना है कि उस फॉर्मूले पे ये कितने टाइम में, तो अभी तक इनकी ग्रोथ अच्छी है, आज ही इन पे देख रहे होगे आप मार्कर लगे हैं, आज ही सबको वेट नापा है, और अब ये ग्रोवर से फिनिशर इनका फीड चालू होगा, तो ग्रोवर का मैंने रिज़ल्ट इनका लिया है कि ग्रोवर पे इन्होंने मेरे को क्या रिज़ल्ट दिया है, तो इनका पूरा ट्रैक होगा। आज समझ लीजिए 7 मार्च के बच्चे हैं, तो आज हो गए हैं इनको 3.5 महीने के ये बच्चे हो गए, और इनका जो वेट आया है, किसी का 50, किसी का 45, किसी का 35, तो एवरेज वेट 40 के आसपास आया है, ठीक है। तो ये मुझे सारे बच्चे कुंटल 120 तक लेके जाने हैं उस फॉर्मूले पे, और ट्रैक करना है कि वो फॉर्मूला मुझे किस क्या रिज़ल्ट देता है, ठीक है। थोड़ा ये वीडियो काफ़ी लंबी होगी बेसिकली, तो जो भी आपको क्वेश्चंस दिमाग में आए इंफ्रास्ट्रक्चर देख के, जो भी जैसा लेआउट बना हुआ है वैसा स्ट्रक्चर देख के, तो आप पोस्ट करिए, मैनेजमेंट से रिलेटेड वो आप पोस्ट करिए, मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। जैसा कि ये फेरोवर रूम है, बताया ही था आपको, ठीक है। अभी काफ़ी सारे जानवर अंदर लेटे हुए हैं, धूप निकली हुई थी तो काफ़ी जानवर अंदर लेटे हुए हैं, गर्मी की वजह से अंदर चले गए हैं। ये करीबन 7 मादाएं मैंने एक रूम में कर दी थी 3-4 दिन पहले, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और इस फैरोइंग क्रेट में इधर और ज़्यादा गर्मी बनती है जब मादा मूव भी नहीं कर पाती, चल नहीं पाती, ठीक है, मूवमेंट एकदम रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, तो इसमें मादाओं को हीट स्ट्रोक आने का भी खतरा होता है, ठीक है, मतलब बहुत ही तगड़ी गर्मी लगती है, और सुअर में स्वेटिंग नहीं होती, उनको पसीना नहीं आता है, तो जिस वजह से क्या होता है कि वो अपनी गर्मी मुंह खोल के हाफ के निकालते हैं, ठीक है, और इनके फेफड़े छोटे होते हैं तो वो भी इनको सपोर्ट नहीं करते कि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और हीट स्ट्रोक आने के चांसेस होते हैं, इसकी वजह से मादा मर भी जाती हैं। तो इस वजह से मैंने ये एक रूम में कर दिया सारे बच्चे, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि मादा अपना चल फिर पाएंगी, ठीक है, और जितना स्पेस चाहिए होगा उतना स्पेस लेके आराम से लेट सकती हैं, तो रिलैक्स इस वाले मॉडल में हो जाती है मादा, ठीक है। ऐसा करने के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, लेकिन अभी गर्मी की वजह से मुझे ये करना पड़ रहा है, ठीक है। इसके भी कभी मैं कोशिश करूँगा कि क्या इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, ग्रुप हाउसिंग पे अगर हम काम कर रहे हैं तो काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, काफ़ी सारे नुकसान भी हैं, ठीक है, लेकिन किसी तरीके से हम इसके अगर नुकसान कम कर दें, ठीक है, तो हम इसके फ़ायदे भी उठा सकते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। और जैसे फ़ायदे की मैं बात कर रहा था, तो एक फ़ायदा ये भी है कि खट्टे फीड डाल दिया इस एरिया में, ठीक है, ये फेंसिंग लगी हुई है तो मादा आ नहीं पाएगी, और यहाँ पे बच्चे आराम से बैठ के फीड खाते रहते हैं, तो इनका फीड कंजप्शन भी बढ़ जाता है,
ठीक है, और जो भी आपको टोटल फीड रखनी है वो यहाँ पे रख दो अच्छे खासे से, और इधर गर्मी भी अच्छी हो जाती है क्योंकि सब बच्चे आके रात में खट्टे यहाँ पे लेट जाते हैं तो आपस से भी एक दूसरे को गर्मी देते रहते हैं और फीड के ऊपर सोते रहते हैं, तो यहाँ पे फीड वेस्टेज भी नहीं हो रहा है और फीड अच्छे से खा भी रहे हैं सब मिलजुल के, ठीक है। तो ये सब फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान भी हैं तो लेकिन गर्मियों में मादाओं को उधर रखना वो ज़्यादा बड़ा नुकसान है और ज़्यादा बड़ा रिस्क है, तो ये करना ज़्यादा सही है, ठीक है। किसी और वीडियो में बात करेंगे कि इसके ऊपर, बाकी और जानवर आराम कर रहे हैं यहाँ पे। ये छोटे छोटे रूम्स बने हुए हैं, छोटे रूम्स काफ़ी काम आते हैं फार्म पे, काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं फार्म पे। ये दो मादा यहाँ पे गरी हुई हैं, काफ़ी भारी मादा हैं। अब सोचिए इतनी भारी मादा होगी जिसकी चमड़ी इतनी मोटी होगी तो उसको कितनी गर्मी लगेगी जहाँ पे जब टेम्परेचर 45-48 तक चला जाता है, ठीक है। तो फैरोइंग क्रेट में रखना बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला काम हो जाता है इसलिए, ठीक है। तो अभी इनके बच्चे छोटे हैं इसलिए मैंने बड़े रूम में नहीं डाले हैं, करीबन 8-10 दिन बाद 15 दिन बाद 15 मादा के आसपास हैं जो मैं एक और बड़े रूम में कर दूंगा गर्मी के चलते। इसमें भी एक सांड छोड़ा हुआ है मादाओं के साथ क्रॉसिंग के लिए। दो तरीके होते हैं, या तो सांड को छोड़ो या फिर सांड को अलग रूम में रखो वहाँ पे मादा भेजो, ठीक है। लेकिन ज़्यादा मादाओं के साथ वो चीज़ मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बेस्ट प्रेफरेबल वे वही है कि सांड का अलग रूम हो और मादाओं का अलग रूम हो, मादा हीट पे आए और तब जाए, ठीक है। इसमें ब्याई हुई मादा है, अंदर से एक लुक ले लेते हैं। इधर से ही अंदर से ही चलते हैं, इसमें कुछ मादा हैं जो अभी तैयार हो रही हैं। ये 50-60 किलो की हैं अभी, और ये भी एक रूम है जहाँ पे ट्रायल लगा हुआ है दूसरे फीड फॉर्मूला का, ठीक है। ये भी वीनिंग के बाद से इनके ऊपर ट्रायल लगा हुआ है तो ये चलते रहते हैं। जैसे आप देख रहे होगे ये बैग्स, तो ये बैग्स यहाँ पे रख दिए, जैसे ही उस वाले फीडर में फीड ख़त्म होगा इधर बैग से जाएगा, और ये बैग तोल के रखे हुए हैं कि इसमें 150 किलो का फीड इनका बना के रखा था, तो सीधे जब ख़त्म होगी इसमें से फीड जाके उसमें डाल देंगे, 150 पूरी ख़त्म हो जाएगी तब 150 और तैयार होगी। तो उस तरीके से रिकॉर्डिंग हो जाती है कि कितनी फीड गई है कमरे में, ठीक है। और जब इस बाड़े में डाले थे बच्चे तो सबका वेट लिया गया था, ठीक है। इसमें जो बच्चे डाले हैं अलग अलग एज के हैं, ठीक है। आपको कुछ बच्चे छोटे दिखेंगे कुछ बड़े दिखेंगे, ऐसा नहीं है कि सब एक ही एज के हैं, अलग अलग एज के हैं। आपको एक वो बड़ा बच्चा दिख रहा होगा वो इनसे बड़ा बच्चा है, ठीक है। अगर आप एडलिफ फीड नहीं खिलाते, मतलब अनलिमिटेड फीड नहीं खिलाते जैसे फीडर लगा हुआ है, तो अलग अलग एज के बच्चे नहीं रख सकते, ठीक है। उसमें फाइटिंग ज़्यादा होती है और जो बड़ा बच्चा है वो छोटे बच्चे को ग्रो नहीं करने देता क्योंकि वो ही पूरी फीड खाता है। लेकिन इस मॉडल में आप रख सकते हो, जैसे कि आप देख रहे हो सबके ग्रोथ अच्छी है, ठीक है। वो इसी रीज़न से है कि मैं फीड के लिए आपस में कोई लड़ाई नहीं है, कोई किसी को डोमिनेट नहीं करेगा। अगर डोमिनेटिंग बच्चा जाके खा लेगा तो जो नीचे का बच्चा होगा वो भी कुछ टाइम बाद जाके खा लेगा, तो उसको फीड में कोई कमी नहीं आएगी, ना ही उसे फाइट करनी पड़ेगी अपनी फीड के लिए। तो इस तरीके से फीड खिलाने का ये फ़ायदा भी बहुत बड़ा है, क्योंकि जब डिलीवरी होती है फार्म पे तो एक ही टाइम पे डिलीवरी नहीं होगी, अलग अलग एज पे होगी। तो वैसे अगर आपके यहाँ छोटे छोटे कमरे हैं तो अच्छा है, ताकि अलग अलग रख सकते हो। बड़े कमरे हैं
तो एक साथ रखोगे और दो या तीन टाइम फीड डालते हो तो आपस में लड़ाई होगी होगी, तो जो बड़ा बच्चा होगा वो ज़्यादा फीड खाएगा, छोटे को खाने नहीं देगा, ठीक है। तो दोस्तों यही था, इसमें भी कुछ मादाएं हैं जो डिलीवरी के एकदम नज़दीक हैं, बड़े रूम में ही छोड़ रखी हैं, इसमें अंदर बैठी हुई हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा रिलैक्स होता है मादाओं को गर्मियों में, ना कि फैरोइंग रेट में। तो यही था दोस्तों, तो मेन इंटेंशन इसका ये था, आपको जो भी दिमाग में क्वेश्चंस आए हों स्ट्रक्चर से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड, आप इस वीडियो में कमेंट करिए, ठीक है, इस वीडियो में कमेंट करिए और बताइए। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट फ्राइडे को मिलते हैं सुबह 7 बजे, पूरी कोशिश रहेगी हर हफ्ते वीडियो आए, ठीक है, और कोशिश करूँगा कि ग्रुप में जो व्हाट्सएप ग्रुप है KP एग्रो का, उसमें भी एक्टिव रहूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे सुबह 7 बजे।